सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है करियर। आपको एक सही करियर किस तरह से चूज करना चाहिए, क्या स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आप एक सही करियर को चूज कर सकें। और देखिए, मुझे लगता है कि यार, चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, फिर कॉमर्स से हैं, आज की वीडियो आपके लिए लिटरली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और 99.9% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लाइफ के अंदर कन्फ्यूज जरूर होते हैं एक टाइम पर कि हमें कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यार, दो ऐसी स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं 10th क्लास के अंदर कि मुझे आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है या फिर कॉमर्स लेनी है, जब 11th क्लास के अंदर आने वाले होते हैं। दूसरा स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं अपने 12th क्लास के अंदर कि 12th क्लास के बाद उन्हें कौन सी डिग्री परस्यू करनी चाहिए जिससे एक अच्छा करियर वो परस्यू कर सके। और यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्टर हैं। जब आप 10th क्लास के अंदर होते हैं, फिर आप 12th क्लास के अंदर होते हैं, तो एक प्रेशर होता है, पेरेंट्स प्रेशर, है ना। पेरेंट्स बोलते हैं कि यार, तुम एक काम करो, तुम भाई वो वाला कोर्स कर लो, क्योंकि पड़ोस के अंकल के लड़के ने वो कोर्स किया था और आज के टाइम पर उसकी अच्छी प्लेसमेंट लग चुकी है, उसका अच्छा पैकेज है, काफी पैसे कमा रहा है, तो तुम भी एक काम करो, यही करो, उसी को फॉलो करते चले जाओ। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप वही काम फॉलो करोगे तो क्या आपको उतना ही पैकेज मिल जाएगा? मैं मान लेता हूं कि भाई, मान लीजिए आपको मिल भी गया, तो क्या आप खुश हो गए या फिर नहीं होगे, कि आपको उस चीज के अंदर इंटरेस्ट होगा या फिर नहीं होगा? तो हर चीज मैश हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इंपॉसिबल हम इसे बोल सकते हैं, राइट। दूसरा सोसाइटी का प्रेशर होता है। जब आप 10th क्लास के अंदर होते हो, तो अगर मान लीजिए आपने आर्ट्स लिए, तो सोसाइटी सोचती है कि यार, ये तो बिल्कुल ही रद्दी आदमी है, राइट। बेशक आपके 10th क्लास के अंदर फुल मार्क्स आए हो, लेकिन अगर आपने आर्ट्स ले लिया है, तो सोसाइटी का कैसा स्ट्रक्चर है कि वो आपके बारे में कुछ और, मतलब अपने हम बोल सकते हैं कि वो आपको अलग तरीके से देखती है। लेकिन अगर आप साइंस ले लेते हो, बेशक आप 11th एंड 12th क्लास के अंदर बिल्कुल फेल हो रहे हो साइंस के अंदर, लेकिन अगर आपने साइंस ले ली, तो सोसाइटी सोचती है कि यार, ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। और अगर आपने कॉमर्स ले ली, तो सोचते हैं कि यार, साइंस ज्यादा मुश्किल थी, आर्ट ज्यादा आसान थी, तो चलो कॉमर्स का रास्ता अपना लिया। तो सोसाइटी एक अलग तरह से अपना स्ट्रक्चर रखती है, उसका प्रेशर अलग होता है, पेरेंट्स का प्रेशर अलग होता है, और उस कंफ्यूजन के अंदर स्टूडेंट्स अक्सर रहते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब देखिए, मुझे लगता है कि यार, तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। सबसे पहले वो स्टूडेंट जो अपने करियर को लेकर के अवेयर हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अवेयर, राइट। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो अवेयर नहीं है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नॉट अवेयर, या फिर हम अनअवेयर बोल सकते हैं, नॉट अवेयर सही है, ठीक है, मैं नॉट अवेयर लिख दिया। तीसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो पेरेंट्स के प्रेशर में या फिर सोसाइटी के प्रेशर में सोचते हैं कि हमें यही करियर परस्यू करना है, तो मैं यहां पर पेरेंट्स और सोसाइटी लिख देता हूं, राइट। अगर आपको लगता है कि आप इनके अलावा किसी भी कैटेगरी में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप किस कैटेगरी के अंदर हो। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप तीनों जो कैटेगरीज हैं उसको आप किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कौन सा अपनी लाइफ के अंदर ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि भाई आपको पता चल जाए कि आपको क्या करियर परस्यू करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अवेयर हैं। अब देखिए, अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, आप उससे कहोगे कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा करियर चूज करना है, अगर वो ये बोल दे कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा जो 10th क्लास के अंदर अपना करियर चूज कर लेता है। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान 10th क्लास के अंदर होता है, फिर 11th 12th में भी होता है, तो हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ, हम बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हमें पता होती है। अगर मैं एक 10th क्लास के स्टूडेंट से पूछूंगा कि भाई तुम ये बताओ तुम्हें क्या करना है, उसने कोई करियर बता दिया, फिर मैं उसे ये पूछूंगा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ऑप्शन सिर्फ 10-12 के आसपास ही पता होते हैं। वो बोलता है कि देखो, अगर मैं साइंस लेता हूं, तो फिर मैं एमबीबीएस जा सकता हूं, या फिर मैं इंजीनियर बन सकता हूं। अगर मैं कॉमर्स लेता हूं, तो फिर मैं वहां पे सीएससीएस कर सकता हूं। अगर मैं आर्ट्स लेता हूं, तो फिर टीचर वगैरह बन सकता हूं। इसके अलावा मैं यूपीएससी भी क्लियर कर सकता हूं, मैं एसएससी कर सकता हूं। तो एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है जो 10th क्लास के स्टूडेंट को या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पता होती है, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 10th क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे सब पता है, तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता कर लिया है, देन उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, तो वो सही मायने में अवेयर स्टूडेंट होगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप अवेयर फिलहाल हो या फिर नहीं हो। तो अगर आप इस तरह से अवेयर हो जो कि आपको सब कुछ पता है, तो बिल्कुल परफेक्ट है और ये होना भी चाहिए, राइट। दूसरा, नॉट अवेयर, जो स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है। और मुझे लिटरली लगता है कि यार, चाहे आप अवेयर हो या नहीं हो, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा सही हैं। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको नहीं पता आपको क्या करना है, और अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा आने वाली है जो आपको फिलहाल पता ही नहीं होगा। तो अगर आप अवेयर नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी जो पढ़ाई है परस्यू करते रहिए, जो भी आपको करना है, जो भी आपको सही लग रहा है। फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपको पता चलेगा कि मैं ये करियर भी परस्यू कर सकता हूं, मैं वो करियर भी परस्यू कर सकता हूं, तो धीरे धीरे और भी अपॉर्चुनिटीज आपकी खुलने शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप अवेयर नहीं हो, तो टेंशन की कोई भी बात ऐसी नहीं है, आप आराम से जो कर रहे हो उसको करते रहो, धीरे धीरे फ्यूचर में और भी अपॉर्चुनिटीज आती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ तो करूं मैं, है ना, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में आता होगा। तो अगर आप अवेयर नहीं है, तो दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो अगेन जो मैंने अभी आपको बताया है, वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, आप ये कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो,
इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको अगेन क्या करना है, जितने भी अपॉर्चुनिटीज है आपको सारी की सारी देखनी है, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। तो अगर आपको जो सही लग रहा है आप उसको चूज कर सकते हो और फिर आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर आप अवेयर नहीं है तो आप अवेयरनेस की जो कैटेगरी है उसके अंदर आ सकते हैं अभी से पहले। और अगर आप अभी नहीं आना चाहते हो तो आप वेट करो अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर आपको लगता है कि यार मुझे अभी अवेयर नहीं हूं और मुझे लगता है मैं अभी हो सकता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आप टाइम लो और डेफिनेटली आप इसके अंदर बाद में आ सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस जो है वो फेवरेबल हैं एक अच्छे करियर के, कोई भी इशू मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आने वाला है। मतलब हर इंसान अपनी अलग तरह से चीजों को डिस्क्राइब करता है, मेरा जो डिस्क्राइब करने का तरीका है वो तो यही है कि भाई अगर आप अवेयर हो परफेक्ट है, अवेयर नहीं भी हो तो दोनों चीजों को आप देख सकते हो और अवेयरनेस की कैटेगरी के अंदर आप आ सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं या फिर सोसाइटी प्रेशराइज करती है या फिर जो दोस्त कर रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि मेरे दोस्त ने अगर साइंस ली तो मैं भी साइंस लेता हूँ, मेरे दोस्त बीटेक कर रहा है मैं भी बीटेक करूंगा, मेरे दोस्त सीएस कर रहा है तो मैं भी सीएस करूंगा, मेरे दोस्त ने बीकॉम किया मैं भी बीकॉम करूंगा, मेरे दोस्त ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया मैं भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूंगा, मेरा दोस्त टीचर बन रहा है मैं भी टीचर बनूंगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत भाई यहीं पर आती है जब आपको नहीं पता होता कि आपका रियल इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है और आप वही चीज़ फॉलो करने लगते हो जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके जो आपके दोस्त बोल रहे हैं या फिर जो सोसाइटी बोल रही है। और बाद में जाकर के दो या तीन साल के बाद, या मान लीजिए फिलहाल 10th क्लास के अंदर, राइट 10th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि यार अभी मुझे कुछ चूज करना है, अपने दोस्तों को या फिर अपने पेरेंट्स को या फिर सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक स्ट्रीम चूज कर ली, वो जो प्रेशर था 3 साल के बाद वो प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन 3 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद आप ग्रेजुएशन कर लोगे अपने 5 साल के बाद, तो उसके बाद आपको एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको लगेगा कि यार अगर मैंने इस टाइम पर अपने इंटरेस्ट को देख करके कुछ चूज कर लिया तो ज्यादा बेटर रहता। और उस वक्त ग्रेजुएशन जब आपकी हो जाएगी तो ये जो प्रेशर होगा ये उतना नहीं होगा जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, और फिर आपको लगेगा कि यार काश मैं वो कर लेता जो मेरा इंटरेस्ट था। तो सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब लोग इस चीज को चूज करते हैं इन दोनों को छोड़ करके। या तो आप एक्सेप्ट करोगे यार मुझे नहीं पता भाई मैं अवेयर नहीं हूं, या फिर आप एक्सेप्ट करोगे मैं अवेयर हूं मैंने सारी चीजें देख ली हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कर रहे हो तो यार ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत आपको देने वाला है फ्यूचर के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको अगेन सॉर्ट आउट करने के लिए भाई दोस्तों को छोड़ दो, क्योंकि आपको अपना करियर चूज करना है, दोस्तों को छोड़ दो, पेरेंट्स का जो ओपिनियन है उसको एक बार साइड में रख दो, हर चीज को साइड में रखो और आपको जो सही लगता है एक बार आप उस चीज को जरा ध्यान से देखिए, उस पर आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए और फिर आप यहां से यहां पर आओ और यहां से फिर आप यहां पर आओ, तब जाकर के आपकी जो करियर की जितनी भी चीजें सॉर्टेड है वो हो सकेंगी, मुझे ऐसा लगता है। सो आई होप आपको कुछ पता चला होगा। और जितने फिलहाल 12th क्लास के स्टूडेंट हैं फिर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप एक काम करो भाई, आप अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बार सारी चीज़ें ध्यान से देख लो। अब कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि आप एक बात बताइए, मैं जैसे हम लोग बीबीए बीएमएस आईपीएम की प्रिपरेशन करवाते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये बताइए बीकॉम ज़्यादा बेटर है या फिर बीबीए, बीकॉम ज़्यादा बेटर है या फिर बीबीए। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो आपका इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हो। आप ट्रेडिशनल कोर्स आपको करना है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, बीकॉम कर सकते हो, अगर आपको मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाना है बीबीए कर सकते हो। फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ पर बढ़िया है, किसके अंदर ज्यादा पैकेज है। तो भाई दोनों के अंदर से जो भी आपको टॉप कॉलेज मिलता है राइट, तो उसके अंदर प्लेसमेंट आपकी बढ़िया मिलेगी। अगर आपको बीकॉम एसएससी से मिल रही है तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है, आप बीकॉम कर सकते हो। अगर आपको बीबीए शहीद सुखदेव में मिल रही है तो आप वो कर सकते हो। तो हर चीज़ के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, आपको सारे के सारे पर्सपेक्टिव देखने होंगे। अगर आपको ये बोल दे कि भाई तुम्हारे लिए वो चीज़ परफेक्ट है तुम वही करो, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं यार। आपको पता है भाई आप किस चीज़ के कैपेबल हो, किस चीज़ की आपकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, वो आपको खुद को बोल सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि यार आपकी क्या क्या कमियां हैं, आपकी क्या क्या खूबियां हैं, तभी आप पता कर पाओगे यार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ना मैं बताने वाला कोई हूं ना कोई दूसरा बता सकता है आपको, वो आपको ही डिसाइड करना होगा कि आप इन सारी कैटेगरीज के अंदर से फिलहाल कहां पर हैं और आप इन दोनों कैटेगरी से इस कैटेगरी के अंदर किस तरह से आ सकते हैं, वो आपको ही डिसाइड करना होगा, वो आप पर ही डिपेंड करता है। सो आई होप मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट शायद नहीं हुई होंगी आपकी लाइफ के, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिली होगी कि मुझे अभी फिलहाल क्या करना है, मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ और मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है। और अगर वो चीज़ क्लियर हो गई, आपको फॉर्मूला पता चल गया है, तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हो और आप भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और मतलब और भी मैं चाहूँगा कि ऐसी वीडियोज़ में बनाता रहूँ ताकि स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिले कुछ काम करने के लिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।